नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2021 की। देखिए दोस्तों, बजट है क्या, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बजट वो नहीं है कि जो आपने आपकी जो भी इनकम है, जो कि आप एक महीने में अर्न करते हो, पहले खर्च कर लेते हो, उसके बाद जो बचा उसको बचा लेते हो, वो बजट नहीं है। बचत वो है कि आपकी इनकम आई, सबसे पहले आपने उसमें से सेव किया और उसके बाद आपने जो बचा उसको खर्च किया, उसको बोलते हैं बचत। जो कि 2020 ने ये बता दिया है कि क्यों ज़रूरी है। अब इसके बारे में डिटेल में मेरे ख्याल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी ने बताऊंगी कि किसने कहा है कि जिसके पास ज्ञान ना हो, ज्ञान यानी शिक्षा, ठीक है, जिसके पास विवेक ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसके पास विवेक, विवेक का मतलब होता है समझ, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, लेकिन जिसके पास धन हो उसको समाज में आदर और सम्मान जो है वो मिल जाता है, ये बात कही थी चाणक्य जी ने जी। तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान की जो धन की शक्ति है वो अपार है, जिसको कि कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती। जहाँ धन लगेगा वहाँ पर धन ही लगेगा। एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि यस्य अर्थस्य मित्राणि यस्य अर्थस्य बांधव, यानी जिसके पास धन है उसके मित्र भी बन जाते हैं और उसके बंधु भाई बंधु यानी रिश्तेदार सब उसके अपने हो जाते हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इस चार वर्डों का आपको, चार जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग आपको बता दिया। तो आज देखो, मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि मेरे घर का बजट क्या है और बजट आपको कैसे बनाना है, बजट में बनाते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी कि इसके बाद आपको कभी भी पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए हर आदमी की सबसे पहले इनकम अलग होती है, दूसरा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी किसी के कोई जॉइंट फैमिली में हो सकता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में हो सकता है, फिर उसकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो खर्च करने की जो हैबिट है वो अलग हो सकती है। तो उसी के ही हिसाब से आपकी इनकम क्या है, आप नंबर ऑफ फैमिली में कितने मेंबर्स है वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आप जिस भी जगह बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेज पे हो आप, वहाँ से आपको अपना बजट कैसे उठाना है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच सकते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो बहुत डिटेल में समझाऊंगी। इसके अलावा हम फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ लेवल पढ़ेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहें तो कि आप इसमें से कौन से लेवल पे अभी खड़े हैं। और मैं भी आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी कि मैं इस फाइनेंशियल लेवल के, जो अभी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ लेवल बताऊंगी, उसमें मैं किस पायदान पे हूँ। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ रूल्स भी बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, तीन रूल है बस, ये आप लोगों ने बना लिए तो मेरे ख्याल से बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है देखने की। आप लोगों को पता है कि मेरा जो सेक्टर है वो एजुकेशनल सेक्टर है और एजुकेशनल सेक्टर जो है वो अभी तक बंद है, पूरी तरीके से बंद है, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन मतलब ओपनली जो है, या बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दिए, लेकिन इस दौर में भी हम लोगों ने, जो कि हम दोनों यानी मैं और मेरे हस्बैंड 32 एज के हैं, हमने पूरे साल भर बहुत स्मूथली बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया है। हमारी रेंटेड बिल्डिंग है, हमारा हर चीज़ जो है सब कुछ बोल सकते हैं कि खरीद के ही हमको करना है, लेकिन फिर भी हमें फाइनेंशियल में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब इतनी ज़्यादा कि मतलब बोल सकते हो ना आपकी लोगों के घर बर्बाद हो गए इन सब चीज़ों में। तो इस तरीके से हमने कैसे कंप्लीट किया, हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल तक, तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं द लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं लेवल 1।
लेवल वन में देखिए, सबसे पहले हमने इसको नाम दिया गया है सोलवेंसी, यानी आपकी पेइंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम उतनी है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है, यानी एक महीने में आपके जो खर्चे है, या फिर थोड़े बहुत अगर उधार आपके ऊपर चढ़ गया है, तो आप अपने इनकम से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस और जो कर्ज है वो आसानी से जो है वो उतार सकते हो, मतलब पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल वन है। लेवल टू स्टेबिलिटी, यानी फिक्स्चर, या बोल सकते हैं कि स्थिरता भी इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो इतनी है कि आप लिविंग एक्सपेंसेस तो अपने पूरे कर ही लेते हो, साथ में आपकी इनकम इतनी आपके पास बच जाती है कि आप उसमें से इमरजेंसी फंड के लिए पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेवल थ्री। लेवल थ्री का मतलब होता है डेबिट फ्रीडम। डेबिट फ्रीडम यानी आपको कर्ज से जो है वो छुटकारा है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और यहाँ पर आपकी इनकम इतनी हो जाती है कि आप अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है, डेब्ट है, उनसे फ्री होकर अब यहाँ पर आप स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं यहाँ पर आप सेविंग करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेवल थ्री से आप इतना बचा लेते हो कि आप सेव भी कर पाओ। ठीक है, लेवल फोर अब है सिक्योरिटी। लेवल फोर को हमने दिया है सिक्योरिटी का नाम, कि यानी अब क्या है कि जितने आपके पास सर्वाइवल एक्सपेंसेस है, यानी आप जितना पैसा सिर्फ सर्वाइवल एक्सपेंसेस में बिताते हो, या बोल सकते हैं जिसमें इमरजेंसी फंड हमने हटा दिया है। ठीक है, इमरजेंसी फंड नहीं, एक महीने में आपको घर चलाने के लिए जितना इनकम की ज़रूरत होती है, जितने पैसों की ज़रूरत होती है, उतने पैसे आपके पास बच जाते हैं सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी फंड को हम सेविंग में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें इमरजेंसी के टाइम में निकालने होते हैं, और सेविंग फंड की आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर दो। तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड अलग करिए और सेविंग फंड जो है वो अलग करिए। ठीक है, नंबर फाइव में आएगा हमारे पास कि आपके टोटल जो लिविंग कॉस्ट है, यानी जिसमें इमरजेंसी भी आएगा आपका, ठीक है, आपका डेब्ट के लिए आपने जो पैसा निकालते हो, ठीक है, आपका जो सर्वाइवल एक्सपेंसेस है, यानी टोटल जो इनकम है, उतना आपके पास सेविंग का अमाउंट बच जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका सेविंग है वो बहुत ज़्यादा है, यानी अब आपको ना तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ना ही किसी डर की ज़रूरत है। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है वो आप पूरे फ्रीली जो है वो कर लेते हो, आपकी इनकम इतनी हो गई। अगर हम बात करें लेवल सिक्स की, तो लेवल सिक्स यानी अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी इसको हम सिंपल बोल सकते हैं रिचनेस। ठीक है, कि आपकी इनकम इतनी अच्छी, सेविंग है आपकी, इनकम नहीं यानी आपकी सेविंग, आपके पास कैश इतना है कि आपको कुछ भी अगर चाहिए, आपको अगर कुछ भी अगर खरीदना हो तो आपको अपना पॉकेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर एंड लेवल फाइव एंड सिक्स। यहाँ पर आप बताइए मुझे कि आप यहाँ पर किस लेवल में या कौन से लेवल में स्टैंड करते हो। तो यहाँ पर जो मेरा लेवल है वो है लेवल वन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम किस लेवल में बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो रूल्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके जब भी आप बजट तैयार करते हो तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपका जो रेंट है या मॉर्गेज वैल्यू, मॉर्गेज का मतलब होता है कि आप कोई लोन लेते हो और किसी चीज़ को लेकर आप उस चीज़ को गिरवी रखते हो, जैसे आपने कोई आपकी पैतृक संपत्ति है, या बोल सकते हैं पुराना कोई घर है, या घर है, नया भी घर है, उसको गिरवी रख के आपने कोई लोन लिया है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक है, तो शुड बी लेस देन योर यू मेक इन अ वन वीक। तो उसकी जो ईएमआई बोल सकते हैं आप, या उसका जो आपका रेंट जो भी जाता है पर मंथ,
वो उससे एक हफ्ते में आप जितना अर्न करते हो उससे कम होना चाहिए। सेकंड, जब भी आप मनी को बोरो करते हो तो उसको अपने लग्जरियस या लग्जरी के लिए यूज़ करने के बजाय आप उसको कहाँ खर्च कर सकते हो, मनी को और बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एज योर इनकम इंक्रीजेज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड स्टे द सेम। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम आपकी बढ़ रही है तो साथ में आपके जो लिविंग के खर्चे हैं या एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ा दो, वो उस समय आपके सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ लेवल, और मैं जिस लेवल पे हूँ इस समय, तो एक साल जब आपकी इनकम पूरी तरीके से बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है, तो फिर आपको नए तरीके से जो है वो स्टार्ट करना होता है। तो मेरा जो लेवल है वो है नंबर वन, मैं फर्स्ट लेवल से अब फिर से मुझे स्टार्ट करना है। आप अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो ये बताइएगा ये वीडियो कैसी आपको लगी। और इसके अलावा हमने बात की फाइनेंशियल रूल्स की, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में ज़रूर शेयर करिए, जिस भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो दोस्तों, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।